हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में ब्लूटूथ सर्च या स्कैन वाली प्रॉब्लम आ रही है, नाम नहीं आ रहा है, तो कैसे आप इसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग को खोजना है, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी ऐप आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड देखेंगे तो दो या थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है ब्लूटूथ। देखिए BLU लिखेंगे तो ब्लूटूथ आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद आपको बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर और अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर देना है या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। फिर क्या करना है, देखिए मोबाइल के सेटिंग में फिर से जाना है और यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाएगा आपको, सभी मोबाइल में होता है ब्लूटूथ, आप चेक कर लेना यहाँ पर होगा या किसी सेटिंग में होगा वाईफाई वाले, तो आपको ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ब्लूटूथ को चालू करना है, फिर आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगा, एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर विजिबल टू अदर डिवाइसेस का जो ऑप्शन है, अगर ये बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। चालू करने के बाद गाइस आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आप स्कैन करना, 100% दूसरे मोबाइल का ब्लूटूथ चालू रहेगा तो उसका नाम यहाँ पर सर्च या स्कैन होकर आ जाएगा। फिर आप जैसे क्लिक करेंगे आप पेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता, लेकिन गाइस 100% आप ऐसा करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नाम आ जाएगा, फिर आप उसे पेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।